है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द लवीज़। तो दोस्तों, हम शिमला पहुंच चुके हैं और आई होप कि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा जब हमने कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन में सफ़र किया था। काफ़ी एक्सपीरियंस वो काफ़ी मेमोराइजिंग रहा था और आज का दिन भी काफ़ी मेमोराइजिंग होने वाला है। हम लोग अभी यहाँ पे चेक इन करते करते हमें ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और अभी हमें थोड़ा खाना वाना खा के तब हम लोग बाहर निकलेंगे। आज हमारा वैसे प्लान है कि आज हम लोग थोड़ा मॉल रोड घूमेंगे और जाकू टेम्पल जाएंगे। आई डोंट नो कि जाकू टेम्पल जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी क्योंकि हमें 3 यहाँ से निकलते निकलते बच जाएंगे और हमें जाकू टेम्पल थोड़ी हाइट पर है, तो पता नहीं वहाँ जा पाएंगे या नहीं। लेकिन ये जो होटल मैंने चेक इन किया है, मैं होटल का आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये होटल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप देख रहे हो कितना शानदार, कितना अच्छा व्यू आ रहा है सीधा शिमला का। और यहाँ पे जो होटल है, यहाँ पे 42 इंच की स्क्रीन और ये बेड वगैरह, आई मीन सब कुछ शानदार है। और ख़ासकर जो मुझे सबसे पसंद वाली चीज़ लगी ना, वो यही। इवन मैं वीडियो बनाने से पहले यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा, उसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और ट्राई करते हैं जाकू टेम्पल जाने की इफ पॉसिबल। सो बे विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। दोस्तों, होटल से चेक इन करके हम लोग निकल पड़े शिमला के मॉल रोड को एंजॉय करने। शिमला की खास बात यह है कि यहाँ पे लगभग हर जगह से प्राइवेट बसेस ऑपरेट होती हैं, जिसमें बहुत ही कम खर्च पे आप आसानी से कई जगह घूम सकते हो। तो हमने भी इस बात का फ़ायदा उठाया और बस से पहुँच गए शिमला के मॉल रोड के नज़दीक। शिमला अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है दोस्तों। यहाँ के पहाड़, यहाँ पर बने हुए बेतहाशा होटल्स, मार्केट घरों और दुकानों से आपको लदे हुए दिखाई देंगे। इसको देखने में मुझे तो मिक्स फीलिंग आई, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भगवान ना करे कि कल कोई अगर कोई कुदरती आफत आती है तो यहाँ पे कैसे मेंटेन होगा इन सब चीज़ों के साथ। खैर, इन सब चीज़ों को मैंने वक्त और हालातों पर छोड़ते हुए हम लोग निकल पड़े शिमला के मॉल रोड को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि शिमला का ये मेरा दूसरा ट्रिप था। तो आई वॉज़ ऑलरेडी नो कि शिमला के मॉल रोड के लिए हिमाचल टूरिज़्म द्वारा एक लिफ्ट ऑपरेट होती है जो आपको मेन रोड से ऊपर सीधा मॉल रोड पर पहुंचा देगी। इस लिफ्ट का किराया इस वीडियो के अपलोड होने तक ₹20 पर पर्सन था। शिमला का मॉल रोड दोस्तों बाकी हिल स्टेशन के मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, क्राउड रिच है और काफ़ी लंबी दूरी तक फैला हुआ है। इसलिए आपको यहाँ एक प्रॉपर मार्केट जहाँ आप जो चाहे खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, नाइट वॉक एंजॉय कर सकते हो, तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो, सेल्फी भी ले सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ की मॉल रोड को बाकी सभी चीज़ों से अलग बनाती है, वो है यहाँ के मॉल रोड के टॉप पर एक चर्च के पास, जिसे द रिज भी कहा जाता है। इस रिज में यहाँ पर चलने वाले डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी और कुछ साहित्यिक शोज़ और ऐसे कई प्रोग्राम यहाँ पे नॉर्मली चलते ही रहते हैं। और दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद वक्त था मेरे बॉस बजरंगबली से मिलने का, जिनके दर्शन के लिए आपको मॉल रोड से ट्रैकिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। तो नंगे पैर की जा रही है? आई डोंट फील कंफर्टेबल। वो तो जा रही है, गाड़ी ले ले। किसकी? कितना ठंडा हो रहा है यार। आप चाहे तो रोपवे से भी या फिर शेड या फिर प्राइवेट टैक्सी करके भी हनुमान मंदिर के इस जाकू टेम्पल पर पहुंच सकते हो। जब मैंने पता किया था तो उस टाइम पे रोपवे का जो चार्ज था वो ₹800 था हम दोनों का। थोड़ा कोस्ट कटिंग करने के लिए वी डिसाइडेड कि हम लोग एक टैक्सी हायर करते हैं, जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी अराउंड ₹400। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जाकू टेम्पल के लिए कैब का वेट कर रहे हैं। हम रोपवे से नहीं गए क्योंकि रोपवे के चार्जेस तो काफ़ी एक्स्ट्रा बता रहा था, ₹1000 के करीब, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था 300 रुपये थे
और सडनली हमें कार वाला मिल गया जो हमें 400 में ले जाने के लिए और वापस छोड़ के आने के लिए रेडी हो गया था। तो अभी कैब का वेट कर रहे हैं, फिर अपन लोग चलते हैं जाकू टेम्पल। तो फाइनली दोस्तों वो समय आ गया जब मुझे दोबारा मौका मिला जाकू मंदिर में आने का। जाकू टेम्पल के मंदिर में जब आप सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हो तो ऊपर लिखी हनुमान चालीसा की चौपाइयों और श्लोक और दोहे को पढ़ते रहना चाहिए। आई एम श्योर कि हर कोई ऐसा ही कर रहा था। मंदिर में जब मैंने प्रवेश किया तो हमें दिखी पवन पुत्र हनुमान की एक विशाल भव्य मूर्ति जो कि पूरे शिमला में कहीं से भी देखी जा सकती है। और रात को जब चारों ओर पहाड़ों पे अंधेरा ही अंधेरा रहता है ना, तो उस समय जब वहाँ की आर्टिफिशियल रोशनी में जब वो हमें मारुति नंदन की वो मूर्ति दिखाई देती है ना, तो पूरे शिमला से आप उसे कहीं भी देख सकते हो और आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि कोई पीछे अंधेरे पहाड़ों के पीछे से कोई झांक रहा है। तो वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है जो आपको वहीं जाके मिलेगा। वैसे एक कहानी इस मंदिर के बारे में काफ़ी प्रचलित है, वो ये कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हिमालय की तरफ संजीवनी लेने जा रहे थे ना, तो सिर्फ मार को कंफर्म करने के लिए वो इस पहाड़ी पर उतरे थे जहाँ पर एक साधु तप कर रहे थे। उन्होंने इस बात को साधु से कंफर्म किया कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं और वापस उछरे हिमाचल की ओर, सॉरी हिमालय की ओर। कहते हैं कि जब हनुमान जी इस पहाड़ पर उतरे तो उनके वेट के कारण ये पहाड़ थोड़ा नीचे की तरफ दरक गया था। दोस्तों हनुमान जी का मंदिर हो और बंदर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी बंदर जो काफ़ी शरारती नोटी हैं वो आपको मिलेंगे, तो अपने पर्स और मोबाइल का आपको स्पेशल केयर करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हमने जैसा प्लान एग्जीक्यूट किया था कल शाम को बैठ के, सेम ऐसे ही हमने एग्जीक्यूट कर लिया। थोड़े डाउट्स थे क्योंकि हम सुबह काफ़ी थके हुए थे जब हम शिमला पहुँचे, क्योंकि हम रात को चले हुए थे और उसके बाद हम बस से फिर ऑटो पकड़ना, ऑटो से फिर ट्रेन पकड़नी, ट्रेन से फिर यहाँ पे आना, फिर टैक्सी करना, फिर चेक इन करना, उसके बाद अपने घूमने के प्लान सक्सेसफुल करना। तो मुझे डाउट था, लेकिन हम जाकू टेम्पल गए, आप ही मेरे माथे पे तिलक भी देख रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मॉल रोड पे गए, खाना वाना सब खा लिया है और होटल पे अब वापस आ चुके हैं। तो आई थिंक मेरे को अब अपने इस वीडियो का दी एंड यहीं भी करना चाहिए इस दिन का, और कल मेरा प्लान है मशोबरा और नालदेहरा जाने का, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको दिन में अपने होटल का व्यू दिखाया था ना कि वो बालकनी से कैसा दिखता है, मैं आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ। जब मैंने नाइट का व्यू देखा ना तो मैं वाकई में बड़ा खुश हो गया। अब ये देखिए, यहाँ से पूरा शिमला मेरे को एकदम साफ साफ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि आपको अभी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कैसे दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, तो दिस व्यू इज़ सो मच अमेजिंग, आई मीन सो मच ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो मैं कल रिकॉर्ड करूँगा। और चलिए इस वीडियो को देंड यहीं पे करते हैं, और अपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना ख्याल रखना। टेक केयर, थैंक यू।